हम लोग ऋषिकेश से चले थे, तो कल पहला दिन हम ज़्यादा तो नहीं चले क्योंकि पहला दिन था, तो हम लोग शिवपुरी ऋषिकेश से 11-12 किलोमीटर तक हम लोग आ गए शिवपुरी में रुक गए थे कल। और अभी हमने सुबह 5 बजे शिवपुरी से ओडियाला एक जगह है, यहाँ से 23 किलोमीटर है, वहाँ तक चलने का सोचा है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारे पास सभी टाइम बहुत है। कल बहुत धूप थी, गर्मी थी, आज सुबह अभी तो सूरज देवता निकले नहीं हैं, बाकी देखते हैं कब तक बाहर आते हैं। बाकी हम सबका जोश बना हुआ है और भगवान से प्रार्थना है कि हम लोग बहुत अच्छे से बिना किसी कष्ट के पहुंच जाएं। बजे चले हैं और बहुत मज़ा आ रहा है कि हम जल्दी उठ के चले हैं और कल रात भी हम देर में सोए थे, फिर भी थकावट नहीं है और हमारे पास शेरू भी है। इसका मतलब ये हुआ है कि आप थोड़ा सा भी किसी को भी प्यार दो, वो हमारे साथ इतना सही प्यार लौट के आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और ये यात्रा बहुत अच्छा आ रहा है। चलना बहुत अच्छा लग रहा है नेचर के साथ, हमारे बाबा जी के साथ। कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है कि हम बहुत दूर चल रहे हैं और बहुत दूर जाना है, ऐसा नहीं है। बस महादेव का साथ ही हम चल रहे हैं, बस चल रहा है, इसमें कोई थकावन कुछ भी नहीं है। और बीच में तो कोई रास्ता में कोई दिक्कत भी नहीं आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डंडा भी मुझे रास्ते में मिला, बहुत सारा ले रहा है, दे रहा है। आज सब्जी भी पोहा बन गए। चलते चलते एक मन में एक विचार आया कि बाबा जी बोल रहे थे कि हमारा खुद का कदम के ऊपर ध्यान रखना है करके, तो हम सब साथ में चल रहे फिर भी हमारा खुद का यात्रा है, मतलब तरफ का एक यात्रा है। तो हमारा चाल का ऊपर, हमारा कदम का ऊपर जब हम ध्यान देंगे तो हमारा यात्रा बहुत सुखदाय होगा करके हमारा एक विचार आया मुझे। और सबसे पहले द्रौपदी ने प्राण त्यागे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो उस रास्ते में सबने एक एक प्राण त्याग दिए। हाथ में जो युधिष्ठिर थे उनके साथ कुत्ता चलता रहा, बाद में पता चला वो कुत्ता नहीं था, धर्मराज खुद थे, उनके साथ चल रहे थे। उनको फिर
सतगुरु ने फिर अपना रूप प्रकट कर दिया आगे जाके, मैं कौन हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ। फिर उनके साथ साथ शरीर चले गए स्वर्गारोहणी जो था, फिर वहाँ से स्वर्ग का द्वार खुल के वो सात शरीर ही चले गए। अच्छी बात है, लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग ए न्यू लाइफ। आप चलते हुए कैसा फील करते हो? ये आपकी जर्नी है ना, कैसे कंप्लीट होगी? बाबा जी के साथ में आप बहुत अच्छा फील करते हो, एनर्जी मिलती है और आपको ये लग ही नहीं रहा कि आपको कहीं डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, बस चलना है। ब्रोनी, इसका नाम ब्रोनी है, यह हमें रास्ते में मिला आज होटल से बाहर आते ही, तब से बिन बोले हमें हमारे साथ चलने लगा। लगता है इसका भी साथ था केदारनाथ जाने का, है ना ब्रोनी? ये बहुत होगा 5-6 महीने छोटा है, ये बहुत ही छोटा है, थक गया है, ये बहुत धूप से बहुत ही थक गया बेचारा, छाया ढूंढते हुए जा रहा है, इसलिए मैंने इसको उठाया।